आप लोग सोचोगे कि मैं किस लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो वो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे जो पूरी स्किन पे डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि ये हमेशा रहेगा और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। बहुत ज्यादा ये तंग रहती थी यार, रात रात भर इसको, मैं रात को एंजाइटी और एंजाइटी स्ट्रेस के लिए जो दवाई खाती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है रिक्शे में बैठकर और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अभी। और इतनी मुश्किलों से मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको यार। 7 बजे और अभी बज रहे सुबह के 7। आप समझ सकते हो कि मतलब इतनी सुबह उठ के मैं जल्दी से जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और वो भी क्यों वो आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। देखते हो अभी तेज बारिश भी हो रही है यार, पर मुझे जाना जरूरी था इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ पर चले जाते हैं, उसके बाद आपको मिलती हूँ। हम लोगों सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। और गाइस, यहाँ डॉक्टर के पास आने के बाद हमें इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे वेट करते करते मुझे बहुत नींद आ रही थी। गाइज, मैं आ चुकी डॉक्टर के पास से और अभी आई थी मैं कुछ देर पहले। अभी 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो सुबह उठते ही मूवी शुरू। कैसे कैसे लोग है भाई मेरे घर में, बताओ कौन सी मूवी है भाई ये। दो कलियां। मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सुबह के बाद से, आज अभी शाम को, और मैं उसके बाद सो गई थी। इतना ज्यादा नींद आ रही थी मुझे कि हम लोग बहुत ही सुबह को उठे थे यार। उठते ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और आपने मेरे डॉक्टर के पास की क्लिप देखी होगी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे दवाई भी रखी है। और काफी सारी चीजें इस बीच हुई थी जो कि मैंने नहीं दिखाई, और काफी टाइम से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, आप लोगों को पता ही है। तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। पर मैं जो अपने शूट्स कर रही थी अपने मेन चैनल के, वो तो बस कर ले रही थी कैसे भी, क्योंकि वो बस कुछ था नहीं ऑप्शन। सबने कहा था घर में कि नहीं मत करो मत करो मत करो, पर मैं सोचू नहीं इसको क्या ही छोड़ूंगी मैं अभी। और वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूंगी, रीजंस कुछ बहुत सारे थे मेरे पास। आप लोग सोचोगे कि मैं किस लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो वो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे जो पूरी स्किन पे मेरी पूरी स्किन पे कुछ एलर्जी या कुछ हो गया था, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पूरे टाइम गर्मी में जो शूट करती रही, और मतलब अभी जितना भी टेम्परेचर चल रहा था 50 डिग्री हुआ था अभी, जितना हाई टेम्परेचर चल रहा था दिल्ली का, उसमें भी मैं निकल के बाहर शूट कर रही थी, तो बहुत गर्मी थी और हीट की वजह से मतलब मेरी पूरी स्किन जो ना वो बर्न हो गई, और इतनी ज़्यादा बर्न हो गई कि मैं रात रात को बिल्कुल रोती थी। मतलब इतना मुझे इचिंग होती थी और फिर वो ब्लड आ जाता था, मैं इतना ज़्यादा कर लेती थी, क्योंकि वो ऐसा था ना कि आपको रात भर फिर नींद भी नहीं आएगी, और फिर नींद में भी मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, बिल्कुल हाथ पे पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा इरिटेट होती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी उस चीज की वजह से। तो मैंने डॉक्टर को पहले तो एक डॉक्टर को दिखाया था, 1 मंथ से ज्यादा ये चीज हो गई है और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, उसके बाद रिपोर्ट आई, तो उसमें भी पता चला मेरा जो एलर्जी लेवल है वो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है। अभी ये नहीं पता किस चीज से एलर्जी हो रही है, पर डॉक्टर ने कहा कि गर्मी से हो रही है और आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है और कुछ भी नहीं करना। मैंने बताया भी था कि मैं बाहर जाती हूँ, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल हल्के कपड़े पहनो, बिल्कुल ही रिलीफ तब भी मिलेगा। और मुझे बहुत सारी दवाई दी है, बहुत सारी चीज़ें दी है, मतलब लोशन और बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, मतलब बताती नहीं हूँ। मैंने सोचा कि यार हर चीज़ क्या दिखाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं आप लोगों को ही तो बताऊंगी और किसको बताऊंगी। अगर मैं अपना बर्थडे अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ, स्पेशल चीज़ दिखा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये सब चीज़ें भी दिखानी चाहिए, मेरी लाइफ में गलत क्या हो रहा है, मतलब गलत तो नहीं कहेंगे कि कुछ भी क्या चल रहा है, लाइफ अपडेट। तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं एक बनाकर डाल दूंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है। एक और बार गई थी डॉक्टर के पास, वो लास्ट गई थी मैं, उसके बाद अभी फिर से एक और बार गई, मतलब 3-4 बार जा चुकी हूँ मैं रिपोर्ट्स और ये सब करने के चक्कर में डॉक्टर को दिखाने के लिए। उन्होंने कहा भी था कि ये कैसे हो गया आपको ये वो, मैं बहुत ज्यादा परेशान चली थी इस चीज की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा। तो गाइस, जैसा कि समरीन ने बताया कि डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि ये हमेशा रहेगा, वो बहुत ज्यादा हाई है, और इतनी हाई है कि जो चीज 100 होनी चाहिए वो कुछ ज्यादा ही है। तो मैंने लास्ट नॉर्मल जिनको दिखाया था उन्होंने बताया भी नहीं था मुझे, वो तो थोड़े वैसे थे कि मतलब मुझे डराने के लिए, नहीं मैं डर ना जाऊं इसलिए मुझे कुछ नहीं बताया, पर इन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी इतनी कैसे हो सकती है। हाँ, वो ऐसे रिएक्ट कर रही, इतना ज्यादा कैसे हो सकती है। अभी तो फिर भी मतलब अभी तो गायब हुआ है अच्छे मेडिकेशन की वजह से। जून फर्स्ट जून से मई के लास्ट से स्टार्ट हुआ तुम्हारा, हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा, हाँ, और उसके बाद से जो हुआ ना इसको, तो इसका जो हुआ मेन, वो जब ये शूट कर रही थी ना बाहर जाके 50 डिग्री में, हाँ, और ये जो चुभती गर्मी में इसको एकदम से रिएक्शन हो गया। मैंने अपना खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया, बाहर का हर चीज बंद कर दी। डॉक्टर ने कहा कि पानी पियो भर भर के, बिल्कुल कि पानी की बहुत कमी है बॉडी में। ऐसा लग रहा था इसकी पूरी बॉडी बर्न, जैसे ऐसा लग रहा किसी ने जला दिया उसके हाथ पैर को, ऐसा पेट पूरा इसका ऐसा लगता जला हुआ बिल्कुल। ज्यादा ये तंग रहती थी यार, रात रात भर इसको इतना जलन महसूस होती थी, इचिंग, रोती थी कि यार क्या करूं क्या। और गाइस, मुझे डॉक्टर ने यहाँ तक की स्ट्रेस तक की दवाई दी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था इस चीज का, नहीं तो उसके लिए मैं रात को एंजाइटी और एंजाइटी स्ट्रेस के लिए जो दवाई खाती थी उस
जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती थी पूरी पूरी रात, मतलब मैं खाती वो और सो जाती थी। हाँ, क्योंकि इसका रीजन ये भी होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस भी इस एलर्जी का रीजन होता है। हाँ। डॉक्टर ने बताया ये वीडियो ही बस समझ लो आपकी बड़ी मुश्किल से शूट कर पा रही है सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि गैप ना हो, वरना इसकी हालत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको बिल्कुल बोला गया घर में रहने को, बाहर ना जाने को, लेकिन सब कुछ जाती हूँ। और गाइस आपको पता होगा कि मैं वीडियो के लिए जाती हूँ तो वो आप लोगों को दिख जाता है कि भाई अच्छे से तैयार व्यार होकर कोई वीडियो कर रहा है, तो आपको अंदर की चीजें नहीं पता चलेगी क्या क्या हुआ, कैमरा में इतना डिटेल नहीं पता चलेगा, नहीं बता सकते कैमरे में, पर हम सोचते कि चलो व्लॉग चैनल है यहाँ पर तो आपको सच बता सकते हैं, रियलिटी तो बता ही सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप लोग बस। और इसको गाइस बहुत जल्दी नजर भी हो जाती है, मैंने ये चीज नोट करी है, इसको कोई भी कुछ बोलता ना या फिर टोकता है तो बहुत जल्दी इसको नजर आती है, सबकी नजर लगती है जो भी को, आप कभी भी किसी को देखो, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कभी भी किसी को देखो तो माशाल्लाह जरूर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पाचन शक्ति नहीं होती है अच्छी चीजों की, तो बस उनसे बच के रहो। और मैं इस बार मानती हूँ कि मुझे इतना ज्यादा बड़ी चीज हुई कि मतलब कि ये चीज की वजह से ना मैं बहुत परेशान रही हूँ, और इसमें बहुत बड़ा रीजन जो है वो नजर भी है, मुझे पता है कुछ चीजें पर मैं बता नहीं रही हूँ। और ये भी जब अभी ठीक हुआ ना तो इसको इतना ज्यादा दम किया गया, सब कुछ किया गया, तब पढ़ के किया गया, बहुत सारी चीजें की गई है, तो मैं ऐसा चाहती थी कि आप लोगों को फाइनली बता दूं, 25 दिन हो गए थे ब्लॉग ना डाले हुए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन अब चलो खैर छोड़ते हैं इस बात को, और अब हम दवाई पे बिल्कुल फोकस करेंगे, मैं खाऊंगी कि मैंने यार छोड़ भी दिया था। और गाइस मैं अभी आपको चीज दिखाती हूँ, ऐसा लग रहा है ना इजिप्ट विजिप्ट का कुछ है, कैसा सा लग रहा है ये क्या? गाइस ये ज़ारा में ना 2500 या 1900 का है, तुमने भी देखा होगा ज्वेलरी वाले सेक्शन में, देखा है ऐसा? ये मुझे मिला है अभी मेरे गोद में था ना मकासा, इसलिए मुझे लव बाइट्स देता है, ये लव बाइट्स है गाइस, ये लव बाइट्स गाइस, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ और 250 रुपए का मिला है, और ये आज ही। और गाइस अभी अभी अम्मी का भी एक महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, मतलब बहुत कुछ सब डॉक्टर ही चल रहा था, नहीं दिया था आप लोगों पर, मैं यहाँ पर क्लिप्स थोड़ी बहुत लगा दूंगी, हम लोगों ने हम लोग ना इतना वो नहीं दिखाते हैं, बस खुशी 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 दिखती है, जब सैडनेस या कुछ भी ऐसी चीज आती है तो मेरे दिमाग में आते नहीं कि मैं ब्लॉग करूं, मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि कभी ब्लॉग कर पाऊं, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार आपको भी तो बताना चाहिए ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि अम्मी का ऑपरेशन था, बहुत सारी चीजें हुई, मुश्किल टाइम था, पूरा सब कुछ हुआ, एक महीना पूरा ऐसे ही निकल गया टाइम, लेकिन चलो अब माशाल्लाह से अम्मी ठीक है, तो अम्मी ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे, ठीक रहे और सबकी तबीयत भी ठीक रहे। और गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है, तो घर में हम लोग आज खाने वाले हैं पराठा, जो कि स्पेशल शेफ को मैंने बुलाया है इंग्लैंड से, जो इन्होंने पढ़ाई की थी पूरी कुकिंग स्किल्स, तो उसके बाद मैंने कहा था कि इनका थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे पराठा बनवा कर देखते हैं। आपके वहाँ पे पराठे को किस लैंग्वेज में बोलते हैं? इंडियन चौक। अरे अरे गाइस ये बाहर से आई ना फिरंगी है तो इनको थोड़ा समझना मुश्किल है। की रोटी खाते हैं। पराठे को आप लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? चुपाची। चुपाची। ओवर एक्टिंग कर देनी है। चुंची के मेले भी बना दीजिएगा पराठे। ओके वैसे तो आप तीन खाती हैं। कैमरे पे तो एक खाऊंगी ना। तीन पराठे खाती हूं मोटी। झूठ बोल रही यार की झूठी है यार। देखो गाइस आप लोगों के सामने कैमरा ऑन हुआ ना तो बस कैमरा ऑन होते ही मुझे मेरे ऊपर झूठ झूठ का कुछ भी डाल देना है। आपको मक्कू से मिलवा देती हूँ। मक्कू भी आप लोगों को कुछ कहना चाहेगा? अभी मुझे एक न्यू टॉप या क्या है ये स्वेटर या कुछ मिला है मुझे, ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका ट्राई करके दिखाऊंगी आपको। गाइस इसका बर्थडे भी आने वाला है, हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। और गाइस अगर आप लोग अभी ब्लॉग देख रहे हो मेरा तो अभी क्या मुझे कमेंट बताओ कि मेरे बर्थडे में कितने दिन बचे हैं अभी। पहले गाइस आप ये बताओ ये जो अभी आपको टॉप दिख रहा था ये कैसा? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोलोगे हाँ तो मैं ये रख लूंगी। अगर आप लोगों को पता है मुझे ना अभी कुछ दिनों पहले ये वाली स्टोरी बुक मिली मुझे, जो कि मैंने जब मैं 11 इयर्स की थी ना मैंने एयरपोर्ट से लिया था, और मुझे बहुत ज्यादा मन था कि मैं ना ऐसी कोई बुक लूं, और इसकी इतनी अच्छी स्टोरीज थी इसके अंदर कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता था, पर क्या हुआ कि एकदम से खो गया और मुझे मिलता ही नहीं था, फिर मुझे एकदम से मिला, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई बहुत ज्यादा। अरे क्या छोटा मोटा क्या मंगाती रहती हूँ यार, क्या ये कैसा सा लग रहा है यार, मैं पहले इयर रिंग नहीं पहनती थी पर अब मुझे इयर रिंग्स बहुत पसंद है तो इसलिए मैं मंगाती रहती हूँ। गाइस मीनिसो से एक बहुत ही प्यारा सा कप लेकर आई हूँ, वो तो मेरे लिए लाई थी, वैसे मेरा कप दिखा दो। फालतू में किसके लिए लाई थी फिर वो कप? गाइस मेरे साथ इतना ज्यादा स्कैम क्यों होता रहता है यार। ये कप मैंने अपने लिए लिया, अपने लिए मतलब मैं कैसे अपने लिए बोल सकती यार, जब लाई थी ना गाइस तो इसने मुझे कहा था कि मेरे लिए है, और अभी आने के बाद अभी मेरे ऊपर से कैसे वो कर दिया है। गलत बात, रो मत ले पकड़, अब नहीं चाहिए प्लीज, इसमें कुछ डाल कर बर्थडे गिफ्ट ले। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसे हो सकता है? तो ये ब्लॉग जो था ये एक मेरी लाइफ अपडेट का ब्लॉग था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को एक दिन मतलब बैठ कर अच्छे से सारी चीजें बता दूं कि इन दिनों जब मैं आपसे व्लॉगिंग करके कुछ नहीं बता पा रही थी उन दिनों क्या क्या हुआ। और मैं इसके लिए तुम्हारे टाइटल सॉन्ग गाना चाहूंगी, बस।
आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप समरीन के लिए कुछ अच्छा अच्छा मतलब दुआ करें कि इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है गाइज। हाँ आप लोग बोल सकते हो सारे लोगों के लिए करो गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल सकते हो और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोलो कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के। और क्यू एन ए अगर आपको चाहिए इस पे तो क्यू एन ए भी कर सकते हो, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इस वाले ब्लॉग पे। आप लोग कमेंट करो कोई भी क्वेश्चन अपना, मैं उसको इसी चैनल पे लाइव आकर आप लोग के सवालों के जवाब दूंगी। ये हम डन करते हैं, तो अभी के अभी सब लोग कमेंट कर दो अपना कोई भी सवाल। यहीं पे खत्म होता है मेरा ये ब्लॉग, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।